अब देखो कि देखो किसानन खातिर तो बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, बहुत बढ़िया खबर है। कायदे सुनो ये चाचा, सुनो देखो कि ना सुनो देखो, सुनो यार मजेदार खबर हम गलत तरीके आपका बताए कि देखो भैया ऐसा है खेती की लागत का अब बकायदा कम करके और उसके साथ भैया दुगनी तुम लोगों का फायदा मिले, एक खातिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का सहायता ली जा सकती है, इस्तेमाल किया जा सकती है। लेकिन एक खातिर किसानन की बात है तो पहले स्थलीय प्रशिक्षण हुई है और का पूना की एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर बनावती है, वह बकायदा इस समय प्रदेश सरकार के संपर्क में है। पिछले माह बकायदा तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त रहे और आपके बकायदा भैया मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी से देखा थी हो अपने बाराबंकी जिले के पद्मश्री रामसर वर्मा जी मुलाकातों करती हैं। बतावा जाता है कि देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का अब स्थलीय प्रशिक्षण करें कि शर्त कंपनी के सामने मनोज जी रखीन है। बतावा जाता है कि देखो भाई ऐसा है पद्मश्री अपने बकायदा प्रगतिशील किसान पद्मश्री रामसर वर्मा जी का नाम सुझाव में रखा हुआ कि उन्हें क्या बकायदा प्रशिक्षण किया जी, देखा दाखा जी है, अगर सही रहा ओके रहा तब बकायदा ओके किया जी है कि ठीक है भैया। आपका बता दें कि देखो कंपनी के जो प्रतिनिधि मंडल हुए थे गुरुवार का पद्मश्री रामसर वर्मा जी के गांव दौलतपुर पहुंचे रहे उनसे मुलाकात कराए खातिर। अब बतावा जाता है कि बहुत जल्दी भैया गैस स्थल के प्रशिक्षण भी किया जी है, अगर यह ओके रहा भैया तो देखा तो किसान का बहुत फायदा होगा, कम लागत में ज़्यादा फायदा होगा, दोगुना फायदा होगा, डीजल का खर्चा बची है या तुम समझो भैया, और उतना काम यहू करी है, प्रदूषणों ना फैली है, आवाजों ज़्यादा ना करी है, बहुत फायदे वाली चीज़ है अगर यू सक्सेस रहा तो। हम कह लो तरीका आपका बता दी, बाकी देखा था मनोज जी से अपने पद्मश्री रामसर वर्मा जी बढ़िया मुलाकातों करती हैं, गुलदस्तों भेंट करती हैं, बाकी अखबारों खबर छपी रहा है। हम कह लो तरीका आपका बता दी, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यू देखो भैया सदर विधायक सुरेश यादव जी तो बढ़िया ढोल बजा दिन डम 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 ओ फो का बात है। हम कल तरीका आपका दिखा दी कि बाराबंकी शर्मा देखा तो सातवें मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है, ताज बाबा रहीन उनके साथ किसान नेता सोएब रहीन और देखा तो भैया मैं शामिल हुए खातिर सदर विधायक सुरेश यादव जी पहुंचती हैं, उनके साथ नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सुरेंद्र चाचा भी दिखाई दे रहा है और देखा तो भैया फाग भी पहुंचे रहे इधर, देखो बकायदा पूर्व विधायक और मंत्री रहे राकेश वर्मा जी पहुंचाते हैं, सरताज चौधरी भी दिखाई देते हैं, विवेक भी रहा है और देखा था जयपुर के विधायकों जी दिखाई देते हैं। हम कल लो तरीका आपका बता दी, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब स्कूल में भैया जब तक टॉयलेट नहीं हुआती है स्कूल की कहानी कंप्लीट हो नहीं सकती है, अगर तुम भैया कोनो स्कूल पर पिक्चर बनाओ तो मजेदार पिक्चर बनी है वाकई में, तो मानो कहूँ सर जी कह दिन कि देखो बेटा कल चैप्टर तो कंप्लीट करवा दिया था आज एग्जाम लेंगे, अब बहुत लड़का भैया मुरहा हुआ रहा है, कहा सर जी अरे देखो सर जी हमारा पेट दर्द करती है, अब हम आई थन अब भैया चले गए सर में आई गो टू टॉयलेट, लो भैया टॉयलेट हम रुके रहे जब तक सर जी का पीरियड नहीं बीत हुआ। तो भैया देखो टॉयलेट के एक अलग कहानी हुआती है बाराबंकी शहर में, देखो सुबह SDM विजय कुमार त्रिवेदी जी उनके साथ बखा पुलिस बल सब जने मिल करके भैया पॉकलेट चलाया करके जो कोई जमुरिया नदी किनारे किनारे अवैध अतिक्रमण कर रखी से उनका सबका हटावत रहा है, साई स्कूल जय हिंद और का कहती है सरस्वती इनके बीच में भैया देखा थी RLB स्कूल का टॉयलेट आवत रहा है, भूख तोड़ा जाती है कहा बतावा जाए, टॉयलेट से भैया बहुते लड़कन बच्चन की पुरानी यादें जुड़ी होती हैं, टॉयलेट का तनिक आराम है से तोड़े पॉकलेट वाले भैया देखो खड़खड़ खड़खड़ चलावत रहे। हम कह लो तनिक आपका दिखा दी, बाकी आपकी क्या रिकमेंड करें भैया दूसरा खबर देख लो। हम देखो बाराबंकी जिले के रामनगर के महादेवा क्षेत्र में पूर्व सांसद डॉक्टर अंजू बाला जी आती हैं और बढ़िया वृक्षारोपण करती हैं का बात है भैया, और देखा थी मोनू का प्रोत्साहित भी करती हैं कि यही इतना वृक्षारोपण करते रहो बहुत नहीं बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। हम कल तरीका आपको दिखा दी, बाकी दूसरा खबर देख लो। हम बाराबंकी शहर के भैया नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नई सतप्रेमी नगर के पास से एकता कॉलोनी पड़ जाती है जहाँ के रहने वाले राहुल उर्फ सूरज शनिवार का घर पर अकेले रहें और रविवार की सुबह करीबन 10 बजे के आसपास सब जिन्हें देखा था कि फंदे से भैया लटका हुआ का शव मिलती है, दुनिया छोड़ करके लड़का चला गया, इसके बाद परिजनों में मातम का मंडप पर सज जाती है, सब जिन्हें हत्या की आशंका जता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं आपका बता दी कि पुलिस ने जाँच पड़ताल किया है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, पोस्टमार्टम के बाद कुछ कहा जा सकती है। बाकी शहर के नगर कोतवाली अजय कुमार त्रिपाठी जी बतावते हैं कि देखो भैया ऐसा है लड़के के पास एक थोड़ी सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा हुआ कि किसी पर कोई कार्रवाई ना की जाए, बाकी जांच पड़ताल की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ कहा जा सकती है। यह जानकारी एक बार में छपी रहे भाई के अनुसार हम आपका बताएं, तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शंबा साहब को वैसे पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।